इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिला जज अदालत में पहुंच चुके हैं। जी हां, इस वक्त 10:30 बज चुके हैं और इस वक्त जिला जज अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि सिविल जज से इस मामले से जुड़े सारे कागजात और रिपोर्ट पहले ही जिला जज को दी जा चुकी हैं और जिला जज इसी परिसर में कोर्ट में, मुख्य जो कोर्ट है वहां पहुंच चुके हैं और देखना होगा कि इस मामले की सुनवाई कब शुरू होती है। भास्कर मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, इसमें लिस्टिंग की अगर बात की जाए, डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं, कब तक उम्मीद की जाए कि जिला जज सुनवाई करेंगे? हिंदू पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के वकील भी अदालत पहुंच चुके हैं, हमने देखा है। बिल्कुल, देखिए, हिंदू पक्ष के वकील सुधीर तिवारी से मेरी अभी बात हुई है। उनका ये कहना है कि हम लोग अदालत परिसर में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जज ये तय कर देंगे कि कितने बजे सुनवाई होगी। एक उम्मीद ये की जा रही कि शायद 2 बजे से सुनवाई होगी। इससे पहले भी जब इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीज़न के पास, जस्टिस रवि दिवाकर के पास सुनवाई हो रही थी, तो वो भी 2 बजे ही सुनवाई हो रही थी। लगातार जितनी बार भी सुनवाई हुई, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई 2 बजे से ही होगी और जो महत्वपूर्ण फैसला लेना है कि ये मेंटेनेबल है या नहीं, उस पर सुनवाई होगी सबसे पहले। और ये तय किया जाएगा, जो 5 वादी महिलाओं के द्वारा ये अधिकार मांगा गया है कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना, हर दिन पूजा अर्चना करने का अधिकार उनको मिले, इस पर पूरी बहस होगी। लेकिन एक चीज़ ये देखना होगा कि सुनवाई कितने बजे शुरू होती है और क्या उसके लिए और टाइम लिया जाता है क्या। बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें लंबा वक्त लग सकता है, इतना जल्दी ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों की बात रखी जाएगी और फैसला आने में ये वक्त लगेगा। तो केस की जो असल सुनवाई है उसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगने की उम्मीद है। अब ये देखना होगा कि आज कितने बजे सुनवाई शुरू होती है और क्या इस पे जज साहब का ऑर्डर आता है। तो जैसा कि भास्कर बता रहे हैं कि दिवाकर जी की कोर्ट में, जस्टिस दिवाकर की कोर्ट में ये मामला लगभग दोपहर 2 बजे सुना जाता रहा है। आज जिला जज किस वक्त सुनेंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन आपको बता दें आज की सुनवाई के दौरान इंडियन वर्शिप एक्ट जो है 1991 का, उस पर दलीलें रखी जाएंगी और सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी, यानी ये मामला कोर्ट में दाखिल होने लायक है या नहीं, इसी पर बहस होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आज की दलीलें, सभी दलीलें इसी बात पर आधारित होंगी, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि ये वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये पूजा का मामला है, पूजा के अधिकार की बात की गई है और पूजा का अधिकार 1991 तक मुस्लिम पक्ष के पास नहीं बल्कि हिंदू पक्ष के था। और एक दावा इस श्रृंगार गौरी के मालिकाना हक को लेकर व्यास परिवार ने भी किया है। व्यास परिवार कह रहा है कि उनके पास अंग्रेजों के जमाने से लेकर कई कोर्ट के आदेश हैं जो साबित करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में उनका दावा है। आखिर क्या दावा कर रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। तहखाना एक कहा जा रहा है खोलने के लिए कि व्यास जी जहाँ बैठते थे उनका कमरा था, व्यासी कमरा को खोला जाए, क्या अभी भी आप लोग जाते हैं वहाँ पे? सामान उमान रखा हुआ है कुछ वहाँ पे? बिल्कुल, उसमें सामान रखा हुआ है। रामायण जो होती थी ज्ञानवापी में, उसको हम अनुमति देते थे रामायण वालों को। रामायण जो है वहाँ पर 9 दिन होती थी, बहुत पहले से चली जा रही है, समझ लीजिए कि 60-70 वर्षों से चली जा रही रामायण वो। तो ये जो है रामायण होती थी, जो भी कार्यक्रम होते हैं, रामायण होती है या भागवत होता है, जो भी वहाँ पर आयोजन होते थे, यज्ञ होता था कोई भी उस परिसर में ज्ञानवापी के, तो वहाँ के जो है हमारे पूर्वज लोग जो है अनुमति देते थे, हमसे अनुमति लेते थे वो लोग, हम लोग अनुमति देते थे और जो है वो अपना सुरक्षा की दृष्टि से DM साहब से अपना जो है लेते थे। उस तहखाने में रामायण के बांस बल्ली रखाते हैं, उसमें जैसे कि पूजा की चौघड़िया उघड़िया, जैसे चूना उना छुआ जाता था पहले मंदिर में हमारे, और जो है उसमें जो है ये हंडे वंडे जैसे पूजा के ये सब चीज वहाँ रखी जाती थी। तहखाने में क्या कुछ काम भी हुआ या कि पहले जिस अवस्था में था उसी अवस्था? नहीं, जैसे अवस्था में था उसी तरह से ही है अभी भी। हाँ, हमार मट्टियाँ हैं सब, उसमें जो है मट्टी एकदम दलदल की तरह है, सूखी है लेकिन बड़ी मट्टी है सब। आप काशी बाबा के कॉरिडोर के अंदर में रहते हैं, वहाँ से कितनी दूरी पे तकरीबन है वो वजू खाना और जो शिवलिंग, दिशा क्या है, कैसे है? नंदी बाबा के ठीक उत्तरी साइड, नंदी बाबा का मुख उत्तर साइड है, शिवलिंग के साइड होता है किसी भी नंदी बाबा का मुंह, तो 83 फीट है, नेट 83 फीट उनके मुख से मिलाया गया, हमने ही फीता नापा था। अच्छा, आपने ही फीता नापा था? जी।
अच्छा। नेट 83 फीट है। 83 फीट आपने देखा वहां से जब वो वजू खाना खाली हुआ तो शिवलिंग नजर आया आपको? हाँ, शिवलिंग अभी वीडियो में ही देखे हैं, जो वीडियो आजकल वहां से नहीं देख पाए। जी नहीं। अच्छा। वहां सामने दीवार है। अच्छा, दीवार। हाँ, आर्टिफिशियल दीवार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।